लेकर इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के हमलों का एक फोटो ट्वीट किया है और उन्हें आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी बदतर बताया है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम इन्हें वैसे ही कुचल कर रख देंगे जैसे दुनिया आईएसआईएस का खात्मा कर रही है। ये ट्वीट जो आप देख रहे हैं ये इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ओर से किया गया है और इस ट्वीट के जरिए जो है हमास पर हमला किया गया और कहा गया कि ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे आतंकी संगठन आईएसआईएस बल्कि उससे भी बदतर। נשים ונשים שנשרפו בעודם חיים, צעירות שנאנסו ונטבחו, לוחמים שראשיהם נחרטו. इधर जंग के बीच इसराइल में बड़ा फैसला ले लिया गया। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और वहां के विपक्ष के नेता बेनी गॉन्स आपात सरकार बनाने पर राजी हो गए। वहीं इस आपात सरकार की युद्ध कैबिनेट ने धरती से हमास को खत्म करने की कसम खाई है और यही आपात सरकार और उसकी युद्ध कैबिनेट हमास के खिलाफ जंग लड़ेगी और गाजा में हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक्शन लेगी। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, विपक्ष के नेता बेनी गांट्स और वहां के पूर्व रक्षा प्रमुख ने एक संयुक्त बयान जारी कर ये कहा कि वो एक साथ एक युद्ध कैबिनेट बनाने और पूरी तरह से संघर्ष पर ध्यान करने पर सहमत हुए हैं। शनिवार की सुबह हमास के आतंकियों ने इसराइल के शहरों पर हमला कर दिया। शनिवार को हमास की तरफ से शुरू हुई जंग में अब तक 1000 से भी ज्यादा इसराइल के लोगों की मौत हो चुकी है जबकि इसराइल ने पलटवार कर गाजा के कई इलाकों को तबाह कर दिया है। माना जा रहा है कि इसी वजह से इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से तीसरी बार फोन पर बात की। खबर है कि इस दौरान उन्होंने हमास को आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी बरबर बताया और उन्होंने हमास के लड़ाकों की तुलना आईएसआईएस के आतंकियों से कर दी। बाइडेन से हुई बातचीत को लेकर नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की और इसराइल की मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल पर हमास ने भी भीषण हमले 2 साल पहले अल अक्सा मस्जिद पर हुए हमले का बदला लेने के लिए। रॉयटर्स के मुताबिक हमास के कमांडर मोहम्मद दईफ ने 2021 से ही उस हमले की साजिश रचनी शुरू कर दी और करीब 2 साल बाद पूरी प्लानिंग के तहत एक साथ जमीन, आसमान और पानी के रास्ते इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी जिससे पूरा इसराइल दहल गया। रॉयटर्स के मुताबिक हमास के कमांडर मोहम्मद दईफ ने इन हमलों के दौरान एक ऑडियो टेप भी जारी किया था जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया था कि इसराइल पर हमास का हमला मुसलमानों के पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद पर 2021 में हुए हमले का बदला है। इसराइल के कब्जे वाले यरूशलम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद को मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है लेकिन मस्जिद में इजरायली सैनिकों के घुसने और वहां मौजूद लोगों से मारपीट की घटना पर पूरी दुनिया के मुसलमान भड़क गए थे और इस घटना के बाद इजरायल से हमास ने बदला लेने की कसम खा ली थी। रॉयटर्स के मुताबिक हमास के कमांडर मोहम्मद दईफ ने 2021 में ही इजरायल पर एक बड़े हमले की प्लानिंग की थी लेकिन उसने अपने उस ऑपरेशन को तब रोक दिया था।